हमारी हूँ ओलिवेरियो टट्टी फूड ब्लॉगर, वर्स्ट फूड ब्लॉगर्स रोस्ट, वर्स्ट स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया बाय ट्राई टू गुड। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नाइट, वेलकम टू माय चैनल लखनऊ वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, नहीं ब्लॉगर है। सुना है कौन कह रहा माखी चूस उसकी धारे के। तो आ गए सब, खाना भोजन और फूड देखकर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है भूख लगती है, लेकिन जब ऐसे लोगों को देखो तो वेल डन। भूख गई बैसलिन लेने, उल्टी और गाली दोनों कॉम्बो में आती है। और रैपट कहता है, सर प्लीज एक मौका मुझे भी दीजिए ना। नहीं भाई, जो सुअर भी नहीं खाता ऐसे, और क्या नहीं खाता है सब जानते हैं। यू आर राइट ब्रो। तो यूट्यूब पर अभी एक धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा है, ब्लॉग, और उसी धंधे की एक शाखा है फूड ब्लॉग। मिलता है चिकन पकौड़ा, चिकन सूप, लेग पीस, फिश, चिकन विंग्स, स्टीम चेस्ट, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भाई साहब। जिसमें लोगों ने खाने को लेकर जो गंद मचा रखी उसे देखकर मन करता है कि ब्लॉग के टट्टों को गरम तेल की कढ़ाई में डाल दो। तो आज की वीडियो हम खाने की इज्जत लूटने वाले दरिंदे और लोगों को चूते बनाकर नोट छापने वाले को पेलेंगे। तो लगा लो अपने फोन के आगे पीछे के ठेकला मेयर फोन और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस चैलेंज के गोटे को निपटाते हैं। इसे पता नहीं गैल चलता कुत्ता भी चैलेंज दे जाता है, और उसके बाद ये खाने को कतई राक्षसों की तरह ठूसता है। मैं नहीं बताऊंगा। तो हम लेके आ चुके हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे। मैं खाना खाने आया, मंडी बकरी बेचने आया है। ए बकरी बकरी बकरी, दो तन वाली बकरी, एक तन वाली बकरी। अबे गांडू से बकरा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही 25,000 रुपए में एक बकरी। अबे चुप। ए भगवान, एक बात बताओ, हमारी भैंस इस गांडू से ज्यादा समझदार है। अरे एक तो कैमरे के पीछे पूरा गांव ऐसे नारे लगाता जैसे कल ही इसे खाद्य मंत्री बना देंगे। कौन है ये लोग? गांड फटी के। आओ अब इसके चैलेंज और इसकी दोनों की चड्डी उतारते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं 24 कैरेट गोल्ड बर्गर, जिसको खा के आपको मिलेंगे 2100 रुपए कैश अगर आपने 2 मिनट में पूरा कॉम्बो खत्म कर लिया। 1, 2, 3 स्टार्ट। यह इसका चैलेंज शुरू होता है 6 मिनट 41 सेकंड से और खत्म होता है 8 मिनट 54 सेकंड पर। अब इन दोनों ही संख्या को घटा बढ़ाते हैं तो बचता है 2 मिनट 13 सेकंड। अगर आपने 2 मिनट में पूरा कॉम्बो खत्म कर लिया। क्या बात है, हम तो चूतिया है ना, जो तुम दिखाओगे देख लेंगे और मान भी लेंगे। पर भोसड़ी के लोग चूतिया हो सकते हैं, अंधे नहीं। क्या बेटा, समझ में आया? आया, बड़ा चैलेंज का टट्टा। हट, क्या खा रही है? कह रही भाई मुझे भी नहीं पता ये कौन सा पोकेमोन है। दीदी कितने दिनों से खाना नहीं मिला, और ये खाते वक्त कीचड़ में चलने जैसी आवाज, अय हाय कतई कान के पर्दे फाड़ दे। और तुम लोग इतना खाने के बाद तो अकेले पूरे गांव के बराबर हक देते होगे। इन सालों ने ना अपना एक टट्टी संयंत्र खोल रखा है जिसमें यहाँ पर ये खाते हैं और वहाँ जाके हकते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। 2 hours later इससे वाया तरीके से खाना खाने वाला जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सच बता रहा हूँ, मैंने इसकी वीडियो म्यूट करके और साइड में एक डस्टबिन रख कर देखी है, कसम से 5 बार उल्टी हुई है। सही बात है। दुकान दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आप कुछ भी खाओ सिर्फ 5 रुपए में। नहीं, मैं नहीं मानता। चाहे आप वड़ा पाव खाओ, भजिया पाव खाओ, समोसा पाव खाओ, इडली। क्या बोला तूने? लगता है ब्लॉक के स्कूल में दीदी का नया नया एडमिशन हुआ है, तभी तो इटली, फ्रांस, जर्मनी सब बेचने में लगी है। ओ दीदी, इटली नहीं इडली कहते हैं उसे, मतलब कुछ पता हो या ना हो लेकिन ब्लॉक के नाम पर बकचोदी तो करनी ही करनी है। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। लेकिन नहीं, अब जितना बीमारी खाना दिखाने वाले करते हैं उतना ही बनाने वाले भी करते हैं। तो आओ मिलते हैं कुछ संजीव कपूर को कोमा में पहुंचाने वाले सस्ते और चमन झोपड़ी के सेफो से। और ये गई अपनी ओरियो कुकीज, बेसन के बैटर में ओरियो कुकीज। अब ये देखिए पकोड़े के अंदर ओरियो है। अरे रुको, अभी गाली देंगे, पहले थोड़ा और देखो। मैगी बनेगी फैंटा में, पानी नहीं डल रहा है, पानी में मैगी बनती है हर जगह, यहाँ बनती है फैंटा में मैगी। है फैंटा में मैगी? क्यों भाई, क्या जरूरत है इतना क्रिएटिव होने की? ऐसे ही
सेक्सी लग रहा है। मतलब हाथ में कढ़ाई चम्मच के आगे कुछ भी पेल देंगे। अरे चूतिया समझेगा, कल को अगर ये कप सिरप में टमाटर डाल के टमाटो सॉस बना दें तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये है हमारे क्रिएटिव हलवाई घर, जिनकी नसों के साथ साथ छांटों में भी क्रिएटिविटी भरी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है। मिर्च है और उसके ऊपर चॉकलेट आ रहा है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। चॉकलेट वाला भुट्टा ये भी सही है, मतलब खाने को खाना छोड़कर उसका सब कुछ बना दो। और झोपड़ी वाले चाचा, भुट्टा है रणवीर सिंह का पेटीकोट नहीं जो कुछ भी चिपका दोगे। साले मजाक बना के रखते हो। मतलब हद ही पार कर रखी यार लोगों ने। और मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि लोग इन्हें खाते कैसे होंगे। इसे देखकर तो मेरी खुद की भूख भी कहती है कि इससे अच्छा तू मुझे जहर ही दे दे। बता यार, फैंटा मैगी, चॉकलेट मैगी, चॉकलेटी भुट्टा, अरे तुम्हारी तुम्हारी माँ की थूक। तो बस यार, आज के लिए उल्टी करने का इतना डोज काफी है। और अगर इसके बाद भी तुम्हारा फिर से उल्टी करने का मन करे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, दूसरा पार्ट बना देंगे। या किसी इनमें से पर्सनल फूड ब्लॉगर की गोली पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। ओके ओके ओके। तो बस आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाकी चुस्त साड़े फूड ब्लॉगर। मैं क्या बोल रही हूँ, जो स्टार्टिंग में वीडियो था, जो स्टार्टिंग में एक लड़की थी, वो क्यों डाला था फिर? फूड ब्लॉग कर लेना देना नहीं, वो लड़की का वीडियो डाल दिया। ये वही लड़की है जो एंड में खा रही थी एकदम खप 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 करके। ये वही लड़की तो नहीं है ना जो स्टार्टिंग में थी? उसने सिर्फ मुंडी तक दिखाया था ना। मैं भी देखना चाहती थी इतना खाने के बाद कितना होगा वेट वेट या जो कुछ भी है, बट वो दिखा नहीं बिकॉज सिर्फ इतना सा था। बट ये लोग जिस तरीके से खाते हैं, लिटरली जानवर भी बड़े अच्छे से खाते हैं, इतने गंदे तरीके से जानवर भी नहीं खाते। जैसे कि बहुत सालों से भूखे पड़े हो एंड ना अचानक से सामने खाना आ जाए तो फिर पागल जैसे हो जाते ना, वैसे हो चुके हैं ये लोग। क्या है क्या है? और सबसे पहले चीज, ये एक्सपेरिमेंट करना प्लीज बंद करो यार। अगर ऐसा होता तो मैगी वाले चॉकलेट मैगी निकाल देते, फैंटा मैगी निकाल देते, ओरियो वाले ओरियो पकोड़े पकोड़े फ्लेवर का क्रीम डाल देते ओरियो के बीच में दो बिस्किट के। ये आपको करने की जरूरत नहीं है तो कितना गंदा लगता है देखने में और सारी चीजें यार, प्लीज सीरियसली क्या क्या कर लेते हो। ओरियो के पकोड़े ऊपर से सॉस, कितना गंदा लगता होगा सोचो आप। एंड फैंटा की मैगी मुझे टेस्ट ना इमेजिन ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ कैसे टेस्ट। बट चॉकलेट वाली मैगी बेकार, मेरे को बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं स्वीट बहुत कम खाती हूँ वैसे भी, एंड ऊपर से वो मैगी और चॉकलेट मैगी कितनी प्यारी लगती है। आपने मेरा मैगी वाला ब्लॉग देखा है या नहीं बताओ, मुझे जल्दी बताओ। अगर नहीं देखा होगा तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया है, जाके देख लो जल्दी से मैगी का ब्लॉग। कितना प्यारी मैगी बनाई थी हमने, उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बट वो अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट थे, ऐसे डायरेक्ट दूध या चॉकलेट या ये वो नहीं डाला था हम लोगों ने। वाह शी, ऐसा कभी करेंगे भी नहीं। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो टट्टी फूड ब्लॉगर वर्स्ट फूड ब्लॉगर्स रोस्ट बाय ट्राई टू फूड। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आने।